हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ इप्सिता गंगोपाध्याय, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस सब्जेक्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सिविक्स. नाउ इन दिस चैप्टर यू कैन सी सम ऑफ द क्वेश्चंस गिवन हियर. आपको यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए गए हैं. सो आप देख पाएंगे क्या क्वेश्चंस है. व्हाट टाइम डज स्कूल स्टार्ट? व्हेन डू यू यूजुअली रीच स्कूल? व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल, दैट इज योर यूनिफॉर्म? व्हेन डू यू ईट योर टिफिन इन द स्कूल? सो यू हैव द ब्रेक टाइम, दैट टाइम यू हैव टिफिन. कैन यू गो बैक होम फ्रॉम स्कूल एनी टाइम यू वॉन्ट? नो, यू कैन गो ओनली द when the school is leaving, isn't it? That time only you can go, otherwise you cannot go. So from this question, in question se aapko kya realize hota hai? So these questions are the questions which are related to school. Jo bhi question aapke yahan puche gaye hain ye school se related hai, aur ये स्कूल के रूल्स से रिलेटेड है. ये जो भी स्कूल के रूल्स है, मतलब व्हाट टाइम स्कूल, एक टाइम से स्टार्ट होता है, सो एवरीबॉडी नोज दैट टाइम. देन व्हेन डू यू यूजुअली रीच स्कूल, तो रीच स्कूल के लिए भी आप टाइम से घर से निकलते हो, तो आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर जाते हो. देन व्हेनेवर देयर इज ब्रेक, दैट टाइम ओनली यू कैन हैव योर टिफिन, अदर टाइम यू कैन नॉट हैव योर टिफिन. देन यू हैव द टाइम टू गो बैक टू योर होम, इजंट इट? सो दीज आर ऑल द फिक्स्ड वेज बाय विच योर स्कूल कैन फंक्शन. तो ये सब आपके स्कूल के रूल्स है. सो आप जब भी स्कूल के रूल्स फॉलो करते हो, तो दैट टाइम यू नो दैट इफ़ यू फॉलो द रूल्स, द स्कूल विल फंक्शन स्मूथली एंड इजीली. आप जब भी रूल को ब्रेक करोगे, तो आपका स्कूल में क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिल जाएगा, है ना? सो रूल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली and to function peacefully, isn't it? तो कोई भी आप कोई भी जगह जाओगे, तो हमेशा आप देखते हो कि वो जगह में जाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, तो आप उस टाइम से आप जाते हो, तो आप इजीली स्मूथली और पीसफुली आपका जो भी काम होता है वो आप कर पाते हो. सो हम हर एक जगह जहाँ भी जाते हैं, हमें रूल्स को फॉलो करके चलना पड़ता है. तो इसी तरह से जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ग्रुप, हर एक स्कूल में रूल्स होता है, उसी तरह से हमारे कंट्री को भी कहीं रूल्स का फॉलो करना पड़ता है. सो आवर कंट्री फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स. सो हमारी कंट्री भी बहुत सारे रूल्स को फॉलो करती है, और इस वजह से ही हमारा कंट्री स्मूथली और पीसफुली हम यहाँ पे एज ए सिटीजन रह सकते हैं. सो नाउ व्हाट is civics and its importance, that you have to learn. So the subject that teaches about the rules that a country follows to function smoothly is called civics. So civics ek aisa subject hai jo hame apne country ke different rules ke bare mein batate hai, और जिससे कि हमारा कंट्री स्मूथली चलता है. और ये रूल्स हर एक सिटीज़न को जानना ज़रूरी है जो भी एक कंट्री में रहता है. इट टीचेस अबाउट द वे इन विच ए कंट्री रन्स एंड ऑल्सो द वेरियस प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इट्स पीपल. सो इफ़ यू नो द रूल्स, यू शुड नो द रूल ऑफ अ कंट्री, द रूल दैट
you have to follow that what is your responsibilities and what is your privilege. So जो भी rules आपके country में है उसके अनुसार आपको भी follow करना पड़ता है. जैसे कि आपके क्या privileges, privileges means आपको क्या rights दिए गए हैं, आपके क्या responsibilities है आपके country के तरफ, ये सब चीज़ों के बारे में हमें मालूम पड़ता है. सो हम सिविक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये सब चीज़ों का पता चलता है. अ कंट्री cannot run smoothly and peacefully if everyone is given the freedom to behave the way they want. Therefore, certain rules are laid down which tells its people what is acceptable and what is not. These rules ensure that all the people live a life that is safe, secure and comfortable. Learning about the functioning of our country, our freedom, rules and responsibilities is very important. Hence, we can say that learning about civics is very important. So, in this paragraph, it is said that the country cannot rule smoothly. आप जो भी कंट्री में रहते हो वो यदि ठीक तरह से उनसे कंट्री को, यदि हम पीसफुली हमारे कंट्री में रहना चाहते हैं तो हमें भी कंट्री के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा. जैसे कि हमारे कंट्री में यदि कोई किसी ने चोरी किया तो क्या होगा, चोरी किया तो उसे ज़रूर पुलिस स्टेशन पकड़ कर लेकर जाते हैं और वहाँ पे उनको पनिशमेंट दिया जाता है. क्यों पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुरा काम किया है, उन्होंने रूल्स को तोड़ा है ना, इसीलिए उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है. यदि आपने कोई किसी जगह पे आपने मारपीट कर दिया तो भी आपको पुलिस पकड़ कर लेके जाती है, क्योंकि आपको आपके कंट्री का रूल ऐसा है कि कोई भी यदि मारपीट करता है या पीसफुलनेस को ब्रेक करता है तो उसे भी पनिशमेंट दिया जाता है. सो आपको ये सिविक सब्जेक्ट पढ़ने से आपको पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट ने क्या रूल आपके आपको राइट्स दिए हैं और कौन से राइट्स आपको नहीं दिए हैं. राइट्स मतलब आपको कौन से काम करने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है और कौन से काम नहीं करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है. सो ये सब आपको मालूम रहना चाहिए. सो इसलिए हमें सिविक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. नाउ फर्स्ट इज टॉपिक इज हु इज ए सिटीज़न. अब सिटीज़न हम किसे बोलते हैं. When we are born in a family, we become its members. When we live in an area, we become a member of the neighborhood. When we join a school, we become a member of school. Similarly, when we are born in the country and live in it, we become its member. A member of country is called citizen. So, citizen कौन है? Citizen, जैसे कि हम जब born होते हैं तो हमारा नाम होता है और surname होता है, तो सब क्या बोलते हैं, आप ये फैमिली को बिलोंग करते हो. ठीक है, तो सपोज़ आपका नाम राम शर्मा है तो आपको क्या बोलेंगे कि आप शर्मा फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना. तो सब क्या बोलेंगे, आप शर्मा फैमिली के मेंबर हो. यदि आप बोले कि मैं नालासोपारा में रहता हूँ तो सब क्या बोलेंगे कि आप नालासोपारा के रहने वाले हो, ऐसे बोलेंगे ना. फिर आपने यदि ट्रिनिटी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको क्या बोलेंगे, आप ट्रिनिटी के स्टूडेंट हो, इस तरह से बोलेंगे, है ना. फिर आप यदि आप कौन से कंट्री में, आप यदि इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो क्या बोलेंगे, आप इंडियन हो, है ना. तो जब आपको बोलते हैं कि आप इंडियन हो, इसका मतलब आप मेंबर ऑफ इंडिया हो और इसे ही कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया. So, citizen means member of the country. Okay? So, we are Indian citizen. So, hum Indian citizen hai because we are born in, live in and belong to our country, India.
तो हम इंडिया में ही बॉर्न हुए हैं, यहीं पे रहते हैं, और हमें जब भी कोई बोलता है कि आप कौन से देश के हो, तो हम क्या बोलते हैं, हम इंडिया से हैं, हम इंडियन हैं. ओके, सो वी आर इंडियन, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया. द मोस्ट कॉमन वे टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया कंट्री इज टू बॉर्न इन दैट कंट्री. देयर आर ऑल्सो अदर वेज टू बिकम अ सिटीजन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन मूव्स टू अनदर कंट्री, स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉलोज द रूल्स ऑफ कंट्री, देन ही बिकम्स द सिटीजन ऑफ कंट्री. तो जब भी हम जिस कंट्री में बॉर्न होते हैं, तो वो कंट्री हमें एक्सेप्ट कर लेती है कि हम उस कंट्री के सिटीज़न हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं. जब हम छोटे रहते हैं, उस समय हम अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं. तो यदि हम सपोज़ आपका उम्र 5 ईयर्स है और आप बॉर्न हुए थे इंडिया में, लेकिन आपके पेरेंट्स आफ्टर 5 ईयर्स आपके पापा को अमेरिका में जॉब मिल गया और पापा बोले कि हम अमेरिका जाके रहेंगे, तब क्या करेंगे आप? पापा, मम्मी, आप सब मिलकर अमेरिका में जाके रहने लगेंगे. और जब अमेरिका में जाके रहने लगेंगे और वहीं पे आपका पढ़ाई लिखाई और आप अराउंड 25 ईयर्स एज के हो जाओगे, तब आपको क्या बोला जाएगा कि यू आर द सिटीज़न ऑफ अमेरिका बिकॉज यू वेर लिविंग इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आपको तब क्या कहा जाएगा कि आप अमेरिकन सिटीज़न हो, क्योंकि आप बहुत सालों से लॉन्ग टाइम तक अमेरिका में रह रहे हो और वहीं कंट्री का रूल्स भी फॉलो कर रहे हो. तो वहाँ के लोगों को आप बोल सकते हो कि आई एम द सिटीज़न ऑफ अमेरिका. ठीक है, सो इस तरह से आप जब जहाँ जिस कंट्री में बॉर्न होते हो उसका तो आप ऑटोमेटिक सिटीज़न होते हो, और यदि आप वो कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके रहने लगते हो बहुत लंबे समय तक, तब आपको उस कंट्री का सिटीज़न भी माना जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एंड ड्यूटीज़. We enjoy certain privileges or freedom as a member of family, neighborhood, school or a country. These are called our rights. Along with rights, we have some responsibilities. These are our duties. So, we need to know about rights and duties. So, rights क्या है? अब आप अपने family में रहते हो, तो आपके family में आपको जो मन करता है आप कर सकते हो, है ना, जो भी मन करता है. लेकिन ख़राब काम नहीं, अच्छे काम. जो भी अच्छे काम करते हो तो आपके मम्मी डैडी आपको कभी भी कुछ नहीं बोलते, है ना. आप अपनी मर्ज़ी से टीवी देख रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोन में गेम खेल रहे हो, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी से जो भी कर रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो उसे क्या करते हैं, फ्रीडम. तो आपके मम्मी डैडी आपको कुछ नहीं बोलते हैं. जब आप ख़राब काम करते हो तो उस समय मम्मी डैडी डांटते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको आपके मम्मी डैडी कुछ नहीं बोलते हैं, है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रिविलेज और फ्रीडम. उसी तरह से आप अपने बिल्डिंग में जब खेलते हो अच्छी तरह से, सब फ्रेंड्स को साथ में लेके खेलते हो, अच्छी अच्छी खेलों को आप रूल्स के हिसाब से खेलते हो, तब भी आपके नेबरहुड में आपकी सोसाइटी में कोई कुछ नहीं बोलता, है ना. सब आराम से खेलते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता. तो दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रीडम. देन आप आपके दादाजी के घर जाते हो, नाना जी के घर जाते हो, वहाँ भी आप इंजॉय करते हो, तब भी आपको कोई कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज दैट इज़ योर फ्रीडम एंड दैट इज़ योर राइट. दैट मीन्स योर फ्रीडम टू एंजॉय. आपको जो चीज़ अच्छा लगता है आप कर सकते हो, है ना. फिर कभी कभी आप घूमने भी चले जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो इन सभी को बोलते हैं फ्रीडम. सो ये फ्रीडम जो भी है, जो आपको एंजॉयमेंट देता है, सो दैट इज़ योर राइट्स. सो आपके कंट्री के गवर्नमेंट ने इसमें आपको कोई भी बाधा नहीं देता है, क्योंकि आपको खुश रहना आपका फ्रीडम है, इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी आपको रोकती नहीं है.
लेकिन बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, तो उसे कहते हैं ड्यूटीज। सो रूल्स फॉलो करते हैं। तो आप जब भी स्कूल में जाते हो तो क्या होता है, स्कूल में आप अपने मर्ज़ी से नहीं जाते हो, आप कभी भी चले गए कभी भी आ गए ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो इन चीज़ों को बोलते हैं आपके ड्यूटीज़, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज़न्ट इट। सो द थिंग्स विच कैन बी डन एट एनी टाइम एनी वेयर एंड विच गिव्स यू एन्जॉयमेंट इज योर राइट, बट द थिंग्स विच यू हैव टू डू एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूटीज। समझ में आ गया आपको राइट्स और ड्यूटीज? राइट्स में क्या, आप जब भी कोई भी समय में कोई भी काम कर सकते हो और आप इन्जॉयमेंट लेते हो, लेकिन कोई ख़राब काम नहीं करते हो तो उसे कहते हैं राइट्स, कोई आपको उस समय कुछ नहीं बोलता है। लेकिन ड्यूटीज़ क्या है, जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलती है, जब बहुत लोग आते हैं तो आप जब भी रूल्स फॉलो करते हो तो उसे कहते हैं ड्यूटीज़। सो आप यहाँ पे एग्जांपल्स को देख सकते हो, यहाँ पे राइट्स देख सकते हो, आप प्ले, आप कहीं भी खेल सकते हो, आप किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हो, आप किसी को भी आपका फ्रेंड बना सकते हो, फिर आपको कुछ बोलना है आप आराम से बातें कर सकते हो, देन आप कहीं भी किधर भी घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आपके राइट्स हैं। और ड्यूटीज़ क्या है, सो वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच व्हेन वी ग्रो अप, आवर राइट्स इंक्लूड। फिर आप जब बड़े होते हो तो आपको कहाँ भी, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में आपको कोई बात टीचर से बोलना है या डिबेट करना है, कोई भी कंपटीशन में बात करना है, तो आप आराम से कर सकते हो। देन आप जब बड़े होगे, जब आपको नौकरी लगेगी तो आपको घर खरीदना होगा, तो आप आराम से घर वगैरह खरीद सकते हो, आप कोई भी मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, एंड देन चर्च में जा सकते हो, कोई आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आप कोई भी ऑफिस में काम के लिए ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी को भी शादी कर सकते हो, कहीं भी आप घर लेके रह सकते हो। तो इस सब में आपको कोई भी कोई रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ड्यूटीज़ में कैसे हो जाता है, ड्यूटीज़ में आपको रूल फॉलो करने पड़ते हैं। तो जैसे कि आप स्कूल में हो तो आपको क्लासरूम के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, देन आपको होमवर्क करने पड़ते हैं, देन आपके घर में भी आपको और स्कूल में भी जो भी रूम है आपका उसको नीट एंड टाइडी रखना पड़ता है, देन योर सराउंडिंग शुड बी क्लीन। जैसे आप घर में भी, आप जब आपकी सोसाइटी के गार्डन वगैरह में, आप उसे डर्टी नहीं कर सकते हो, उसे हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करना चाहिए। फिर आपके जो स्कूल का एरिया है वहाँ भी आपको नीट एंड क्लीन रखना है। यदि आपने उसे डर्टी किया तो तुरंत क्या होता है, स्कूल में somebody complains and principal will give you punishment, isn't it? Then आपको हर तरह की discipline आपको follow करनी पड़ती है। So these are the difference between your rights and duties. Now we will learn about civic sense. So when we are born with 5 senses. So हम जब born होते हैं हमारे पास 5 senses होता है। एक क्या है, they are sense of sight, eyes, that is sight, then touch by your skin, then sound with your ears, taste with your tongue, and smell with your nose, isn't it? So these are the senses which you get when you are born. तो ये आपका नेचुरल सेंसेस है। सो आप देख भी सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, देन फील कर सकते हो और आप टेस्ट कर सकते हो। सो एज़ यू ग्रो ओल्ड, आप जब जैसे जैसे बड़े होते हो तो और एक सेंस आपका डेवलप होता है, वो है सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब आपका बिहेवियर, आपका बोलने का स्टाइल है ना, फिर आपका डिसिप्लिन, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब को हम बोलेंगे सिविक सेंस।
It is a sense of concern for any other human being as well as for our surrounding. So आपका जो discipline है, आपका जो बोलने का style है, आपका जो behavior है, उससे क्या होगा, आप दूसरे लोगों से, दूसरे society के लोगों से आप अच्छी तरह रह पाओगे। आप यदि ख़राब से बातें करोगे तो आपका कोई भी फ्रेंड नहीं होगा, है ना। सब आपके बारे में कंप्लेन करने लगे, आपका बिहेवियर ख़राब होगा तो आपको कोई भी फ्रेंड नहीं मिलने वाला है, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपको ये सेंस धीरे धीरे आना पड़ता है, क्योंकि लाना पड़ता है, क्योंकि यदि आपने टीचर के सामने बदतमीजी से बात किया तो अच्छा नहीं लगता, है ना। आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, और यदि आपके फ्रेंड ने भी ऐसी इसी तरह से बात किया तो आप बोलते हो ना, अरे उसने देखो टीचर से कैसे बात किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। आपको भी लगता है कि नहीं ऐसी इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आपके आप खुद से ही समझ पाते हो कि हमको बिहेव ठीक से करना चाहिए, हमको रूल से बात करना चाहिए, हमको सबसे अच्छी तरह से बात करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को बोलते हैं हम सिविक सेंस। सो आप डिसिप्लिन रहोगे, आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो आपको क्या बोलेंगे, गुड सिटीजन ऑफ ए कंट्री। सो यू विल, इफ़ योर सेंस इज़ गुड देन इट मेक्स अ पर्सन अ गुड सिटीजन ऑफ country. It indicates a person performs her or his duty very well. So आपका behavior, आपका discipline सब अच्छा रहेगा तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये जो है ये सबसे बहुत ही अच्छा person है और ये हमारे देश का बहुत ही अच्छा citizen है, है ना। So people who follow the civic sense are called civilized. So जो people अपना बिहेवियर और अपना डिसिप्लिन से काम करता है तो उसे क्या करते हैं, कहते हैं हम सिविलाइज्ड, है ना। अ पर्सन विद अ डेवलप्ड सेंस ऑलवेज वुड ऑलवेज, जो भी बिहेवियर अच्छा करता है और जिसमें अच्छा क्वालिटीज है वो क्या करता है, सो जो अच्छा पर्सन रहता है वो क्या करेगा, ही विल स्टिक टू द रूल्स एंड नॉट कॉज एनी डिस्टर्बेंसेस टू अदर्स, बी थॉटफुल इन एक्शन एंड टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन व्हेन नीडेड, सो देन दे विल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, देन कोऑपरेट विद अदर्स इन कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड नॉट लिटर, टेक केयर ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड अदर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री। सो जो भी अच्छा सिटीजन रहेगा वो क्या करेगा, हमेशा वो रूल फॉलो करेगा, वो हमेशा ऐसे काम करेगा जिससे कि लोग उन लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, है ना। फिर वो हमेशा जब भी कोई भी किसी लोगों को किसी की ज़रूरत पड़े तो हमेशा वो उनको अपना मदद देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर जब भी ट्रैफिक रूल्स भी हमेशा वो फॉलो करते हैं, फिर जब भी किसी की ज़रूरत किसी काम के लिए पड़ता है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए, फिर वो हमारे आसपास के जो भी सराउंडिंग्स है उसको अच्छा रखने का कोशिश करता है, कभी भी जैसे कि हमारे गार्डन वगैरह है उसमें कभी भी वो गंदा नहीं करेगा, है ना। वो हमेशा जो भी अच्छा आदमी रहता है वो क्या बोलेगा, नहीं हमारा ही सोसाइटी है, हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए, हमें इसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और दूसरों को भी वो सेम बोलेगा, है ना। फिर अपने जो भी बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स है, उसमें हमको बहुत सारे जगह हमने देखा है कि ऐसे क्लासरूम में कि बेंचेस में हम पेंसिल से पेन से हम लोग उसमें लिखते हैं तो क्या होगा, वो सब ख़राब हो जाती है ना। तो जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो कभी भी कहीं पे भी गंदा नहीं करते, वो हमेशा चाहते हैं कि हर एक जगह साफ़ सुथरी रहे। तो इससे हमको पता चलता है कि ये बच्चा, ये आदमी या ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, सिविलाइज्ड है, है ना। देन एब्सेंस ऑफ सिविक सेंस क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, और जो लोग बदमाश होते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कभी भी रूल नहीं फॉलो करते हैं, हमेशा दूसरे को मार पीट करके दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, फिर क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, फिर हर जगह पे गंदगी फैला के रखते हैं, फिर
सब जगह से सब लोगों से झगड़ा मोल लेते हैं और कोई उनको पसंद नहीं करता है ना। तो इसे पता चलता है कि वो आदमी क्या है, सिविलाइज्ड नहीं है, और एक सिविलाइज भी नहीं है, इसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है और इसका डिसिप्लिन भी ठीक नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसिविलाइज्ड पर्सन, दे आर नॉट सिविलाइज्ड वन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ गुड नेबर इज ए गुड सिटीजन। सो आप यदि अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे हो तो इससे ही पता चलता है कि आप एक गुड सिटीजन हो। सो नेबर्स आर पीपल हु लिव नियर अस। अ गुड नेबर विल बी सेंसिटिव टू द पीपल अराउंड हर और हिम। अ गुड नेबर विल always take care of other feelings. For example, will not play loud music or fight with other, be sympathetic and helpful. For example, will take a sick neighbor to a doctor or will help others whenever needed. Be respectful, friendly and trustworthy. For example, will talk politely or will ask for permission before using things belonging to others. So aap yadi गुड नेबर हो तो आप गुड सिटीजन भी बन सकते हो। गुड नेबर आप किस तरह से बन सकते हो कि ऑलवेज़ आपके जो नेबर हैं, आपके जो बिल्डिंग के आसपास के लोग हैं, आप उनसे अच्छा बिहेवियर करो, आप उनसे अच्छी तरह डिसिप्लिन में रहो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास वाले जो नेबर हैं उनके यहाँ कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने घर का टीवी का साउंड लो रखोगे, आपका म्यूज़िक सिस्टम का जो भी वॉल्यूम है वो लो रखोगे, सो दैट देर इज़ नो डिस्टर्बेंस टू योर नेबर, इजंट इट। सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि आप अच्छे नेबर हो। फिर आपके नेबर में कोई है जिसको बहुत ही बीमार है और कोई नहीं है उनको डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए, तो आप यदि उनकी मदद कर देंगे तो इससे भी पता चलता है कि आप अच्छे आदमी हो। फिर आप यदि सबसे अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली, फ्रेंडली और ट्रस्टवर्दी मतलब आप पे सब विश्वास करे, इस तरह बिहेवियर करते हो तो भी आप एक गुड नेबर बन सकते हो। So whenever you have to talk to your neighbor, talk politely. आपको आपके नेबर से बात करना होगा तो आप उनसे अच्छी तरह से धीरे धीरे बात कीजिए, और यदि आपको उनके उनके पास से कोई चीज़ों की ज़रूरत हो जो आपके घर में ना हो, तो आप उनसे रेस्पेक्टफुली उनसे आप यदि मांगते हो तो वो भी बहुत खुशी से आपको देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। Being a good neighbor makes a person a good citizen too. A good citizen learns to fulfill own responsibility, will take care of others. These qualities help to bond a unity, brotherhood and belonging. तो आप good neighbor हैं, इसका मतलब आप good citizen भी हो, क्योंकि good neighbor मतलब आप person से अच्छी तरह से बात कर सकते हो, अच्छी तरह से उन्हें समझा सकते हो, और उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ यूनिटी भी बन जाता है। तो आप एक जब आप एक या चार आदमियों से अच्छी तरह से बात कर सकते हो, इसका मतलब आप सबसे अच्छी तरह से बात कर सकते हो, तो ये आपका गुड सिटीजन होने का एक पॉइंट है। फिर अंडरस्टैंड द राइट ऑफ अदर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज हर और ही इज़ राइट। तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आपको जिस काम से खुशी मिलता है दूसरे को भी वही काम से खुशी मिलता है, इसीलिए आप ऐसे काम करो जिससे दूसरे भी खुश हो और आप भी खुश हो। परफॉर्म्स हर और हिज ड्यूटीज़ विथ ऑनेस्टी एंड कोऑपरेट्स विथ पीपल हु डू देयर ओन ड्यूटी। आपको जो भी काम दिया जाता है वो आपको ऑनेस्टली करना चाहिए, आपको चीटिंग नहीं करना चाहिए, आप उसको अच्छी तरह से ऑनेस्टली और दूसरे को साथ में लेके हेल्प लेके आप एक अपना काम कर सकते हो। देन अंडरस्टैंड्स एंड वेलकम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम हर और हिम। सो आप जो भी दूसरे आदमी हैं उनको आप
पहचानने के लिए उनसे अच्छी तरह से बात कीजिए, उनको क्या चीज़ अच्छा लगता है क्या चीज़ बुरा लगता है उसका भी आप उनसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप लोगों में बॉन्डिंग भी बढ़ सकता है। और इससे क्या होगा, आप जितने ज़्यादा पीपल को समझ पाओगे उतने ज़्यादा आपको फ्रेंड्स मिलेंगे, और ज़्यादा फ्रेंड्स मिलना मतलब आप उन सब लोग आपके बिहेवियर के बारे में तारीफ़ करेंगे, और इससे पता चलता है कि आप एक गुड सिटीज़न भी हो सकते हो। फिर गुड सिटीज़न होने के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में आप हमेशा रूल्स को फॉलो करने का कोशिश कीजिए। शी और ही अंडरस्टैंड द लॉज एंड रूल्स आर मेड फॉर बेटर लाइफ ऑफ द सिटीज़न। और आपको सबसे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है वो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे भले के लिए है। तो इसीलिए आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अच्छे क्वालिटीज़ आप में हो, अच्छे बिहेवियरल क्वालिटीज़ हो, आप में डिसिप्लिन क्वालिटीज़ हो, और आपको हर एक लॉज एंड रूल्स को फॉलो करने का क्वालिटी हो, जिससे कि आप खुद भी अच्छे हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग्स में भी अच्छा चीज़ें बोल सकते हो, और लोग भी आपको अच्छा देखकर लोग भी अच्छे बन सकते हैं, और इससे आप अच्छे सिटीज़न भी बन सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज सिविक सेंस। सो वी हैव एंडेड अप विद दिस चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सिविक्स। सो वी लर्नड अबाउट व्हाट इज़ सिविक्स एंड हु इज़ कॉल्ड अ सिटीज़न। वी हैव लर्नड अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज़, सिविक सेंस, एंड गुड नेबर इज अ गुड सिटीज़न। सो प्लीज़ रीड द चैप्टर वंस एंड ट्राई टू गिव द आंसर्स फॉर questions, whatever is asked in your exercise. Already PDF has been sent to you. PDF आपको भेज दिया है, तो आप chapter पढ़ने के बाद आप answer key को follow करके आप exercise solve कर सकते हैं. So with this we end up with chapter number 4. Thank you.